पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की जगह हमें ये गुलाब का शरबत क्यों पिलाया जा रहा है? महारानी जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन शरबत पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पी लूंगा, लेकिन वो मुझे बताओगे आप ये चल क्या रहा है मुझे? अरे आप दोनों शरबत पीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। माँ, आप भी मंद मंद मुस्कुरा रही है। आपको तो क्रोधित होना चाहिए पिताश्री और भाई जी पर। क्रोधित क्यों? हम भी तो इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। क्या क्या आप तो अब तीनों मिले हैं? तीनों नहीं, हम चारों। तुम भी मिली हुई हो अनुसुईया? रानी जी, मैंने एक बारी में ये शरबत पी लिया है। मुझे मुझे आप लोग बता दो कि क्या चल रहा है। मुझे हम बताते हैं। कुछ समय पहले महावीर ने हमें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम अचंभित हो गए। दारू के विषय में ऐसी कौन सी बात है जिसका बोध हमें नहीं? महाराज, चिंता से अधिक ही हमारा विचार है। हमें नया जीवन दान मिला है केवल दारू के ही कारण। तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हमारी बहन को एक अच्छा जीवन दें। अर्थात दारू अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रही है, हम कुछ समझे नहीं? नहीं नहीं महाराज, अभी तो सब कुछ अच्छा है। हम चाहते हैं कि आजीवन भी सब अच्छा रहे। हम भी यही चाहते हैं। हम जानते हैं महाराज, हम ये भी जानते हैं कि दारू के भविष्य के लिए आपके अलग प्रकार के कल्पनाएं हैं। परंतु परंतु क्या महावीर? महाराज, दारू के मन में कुछ और है। बोलिए, हम भी जानने के इच्छुक हैं कि उसने अपने भविष्य के लिए क्या परिकल्पना की है। आपने स्वयं देखा है महाराज, आपने देखा है कि चिकित्सक ध्रुव के साथ मिलकर दारू ने असंभव को संभव करके दिखाया, चमत्कार किया है उन्होंने। यदि दारू चिकित्सक ध्रुव के साथ रहेंगी तो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना सकती हैं। एक दूसरे के पूरक हैं वो दोनों महाराज। महावीर, यह असंभव है। हम तारू के विषय में अपना निर्णय ले चुके हैं, यह हरगिज नहीं हो सकता। क्षमा करें महाराज, किंतु जीवन तारू का है और अपने जीवन के भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। तारू हमारी भी पुत्री है, हम भी उसके जीवन के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसके अच्छे के लिए ही लेंगे। बुरा तो आप मां का भी नहीं चाहते थे पिताश्री। आप एक पति हैं, किंतु आपके एक निर्णय के कारण मां को इतने वर्षों तक राजदंड भुगतना पड़ा। हमें और तारू को अपनी मां से इतने वर्षों तक दूर रहना पड़ा। आपसे आपकी पत्नी का साथ छूट गया, हमारा बचपन हमसे छिन गया। हमें नहीं पता था महावीर कि आप अपने मन में हमारे प्रति इतने उलाहने लिए बैठे हैं। नहीं महाराज, उलाहने नहीं, विनती। मन में ये विनती लेकर बैठे हैं हम कि तारू को अपना जीवन संवारने का जो अवसर मिला है वो उनसे ना छीना जाए। तारू ने एक अच्छी पुत्री, एक अच्छी बहन, एक अच्छी राजकुमारी होने के सभी कर्तव्य निभाए हैं महाराज। अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। तारू को वो सब कुछ प्राप्त होना चाहिए जिनके योग्य वो हैं, और ये तभी संभव है जब आपकी अनुमति, आपका आशीर्वाद हो। अब प्रजा बताएगी कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी राजकुमारी तारा प्रिया जी मेरी सहायक बनके अपने भाई जी यानी कि युवराज जी का उपचार करें या फिर नहीं। कान्हा जी का झूला स्वचालित हो गया।
आप ठीक कह रहे हैं महावीर, हमारी तारू असाधारण है, इसलिए उसका जीवन भी असाधारण ही होना चाहिए। जी महाराज। परंतु क्या महाराज, तारू और चिकित्सक महोदय के साथ में रहने के पूर्व हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि चिकित्सक महोदय के साथ हमारी तारू सुरक्षित है भी या नहीं। अर्थात ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब हमारी तारू चिकित्सक महोदय के साथ अकेली होंगी। ऐसे में चिकित्सक महोदय हमारी तारू की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठा भी सकते हैं या नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, उनके साथ रहकर तारू काफी सीखेगी, कुशल रहेगी और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज्यादा आवश्यक है कि चिकित्सक महोदय उनकी सुरक्षा कर भी पाएंगे या नहीं। महावीर ने आपकी वीरता सिद्ध करने के लिए एक कठिन परीक्षा ली जिसमें आप सफल हुए चिकित्सक महोदय, और हम संतुष्ट हैं कि तारू के सपनों का उत्तरदायित्व आपको निसंकोच निसंदेह सौंपा जा सकता है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं चिकित्सक जी, अब आप बताएं, क्या आप हमारी बहन तारू का साथ देने के लिए तैयार हैं? यस यस, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। मैं तो रेडी हूं, मेरा मतलब है मैं तो पहले से तैयार हूं। लेकिन हम तो पहले से जानते थे हम माँ हैं, आपके दिल की बात नहीं जानेंगे। आप दोनों को साथ देखकर हमें पहले ही पता लग गया था कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। महारानी जी, जी आप तारू से क्या बातें कर रही हैं, हमें भी बताएं। हम तो ये कह रहे थे कि तारू आपके यहाँ की भी आवश्यकता है, आपको तो कोई आपत्ति नहीं? तारू, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, मां के प्रश्न का उत्तर दे। वो सेनापति सम्राट से। आप उनकी चिंता मत करें, आप केवल अपने मन की इच्छा बताएं, उनको हम देख लेंगे, हम राजा हैं। बताइए आपके मन की इच्छा क्या है। हमारी ओर से हाँ है। तारू सुनिए तो। अरे देखा आपने, अपने सपनों को पूरा होते देख कैसे लज्जा गई। तारू कौन है? मैं क्या कौन है मतलब सर? यही तो आपसे पूछ रहे हैं। वो मैं राजकुमारी है। नहीं नहीं है? नहीं मैं, हाँ तो अरे 2 मिनट पहले तक तो थी वो राजकुमारी। मैं राजकुमारी तो है ही, लेकिन वो हमारा हृदय है, हमारी धड़कन है, उनका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एक पिता की आशा और एक राजा की चेतावनी समझिएगा इसे। जी सर, जी जी सर। Can't believe, इतनी आसानी से हो गया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। अगर आप नहीं होते ना तो ये सब कर पाने में ना मुझे सदियां लग जाती। हमने तो आपको पहले ही कहा था, हमारे कथन में नियत थी, आज बस उसे ही पूरा किया है। इस परिवार में आपका स्वागत है। थैंक यू।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।